प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में आज इसके पूरे सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो देखिएगा, ये तो रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का अथवा सहित वाले क्वेश्चन के आंसर। जी हाँ, आज हम सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैं अथवा वाले क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा। और देखो, एक बात मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि मेरे द्वारा आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सेट ए होगा, बी होगा और सी होगा, फुल सॉल्यूशन के साथ में दूंगा। और अगर आपने तीनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो आपकी परीक्षाओं में होने वाली है बल्ले बल्ले। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वही के वही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में फंसते हैं। तो इसलिए आप सब लोग प्रत्येक वीडियो को देख कर जाया करें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं का कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। तो देखिएगा, पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का, यहाँ से देख लें, और समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखो, सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम क्या? समाचार पत्र, यहाँ से आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म? तो देखो, गान पान होगा, फूले ना समाना मुहावरे कर, तो देखो इसका अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्न होना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया? तो देखो, इसको हम हसमत से लिया गया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा और कबीर भक्तिकाल की काव्यधारा के कवि है? तो देखो, ज्ञानश्री काव्य के कवि है ये, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लें। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन, वे परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, यहाँ से देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है द्रुत लय चपलता। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड होगा। मीरा के आराध्य थे श्री कृष्ण। संचारी भाव की संख्या होती है 33, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है, असत्य होगा। संचार प्रक्रियाओं की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है, सत्य होगा। कबीर की रचना बीजा के, ये भी सत्य होगा। कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर गुण में होती है, असत्य होगा। शिव शंभु के चिट्टे बालमुकुंद गोत्री की रचना, ये भी सत्य होगा। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को और उनके आंसर को जानते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चलो समझते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देखिएगा, यहाँ पे आपसे जोड़ी पूछी गई है, जोड़ी का मिलान कैसे करना है। बाल की खाल निकालना, इसकी जोड़ी मिल जाएगी। व्यर्थ के दोष निकालना, स्वर साम्राज्य की जोड़ी मिल जाएगी लता मंगेशकर से। जन संचार की मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया। इंदिर सत का स्वर्णयोग भक्तिकाल। नरसिंह जीरो मायरो मीराबाई। जयशंकर प्रसाद की जोड़ी कामायनी से। नान भाइयों का मसीहा मियां नसरुद्दीन से। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से आप लोग समझ लें, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? तो देखो, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश आदि तत्वों से हुआ। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखो, विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी संस्मरण अलंकार है? तो देखो, इसमें कौन सी विधा? तो देखो, संस्मरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया? तो देखो, मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम? तो देखो, उसके लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। उसके बाद में सीधी बात बात मुँह पर बात ना करना मुहावरे का वाक्यांश में प्रयोग? तो देखो, रमेश जब से कलेक्टर बना है तब से किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, वाक्य में प्रयोग करना था कोई भी दूसरा वाक्य बना के लिख सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन, जन संचार के कोई 2 माध्यम तो देख रहे हो, रेडियो, सिनेमा और समाचार पत्र लिख सकते हो। अब इसके बाद हम यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से लेके लास्ट तक के सभी क्वेश्चन आंसर के साथ में देखने वाले हैं। तो चलो समझते हैं। तो देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 6 लिखा है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और देखो, आपका सेट सी है ये, जिसको हम अभी देख रहे हैं। देखो, प्रश्न नंबर 6 जो लिखा है, जिसमें पूछा गया, निर्गुण भक्तिधारा के 2 कवियों के नाम उनकी रचनाओं के साथ में लिखना है। तो देखो, निर्गुण भक्तिधारा के कवि, एक तो कबीर जिसका नाम है, उनकी रचनाओं के नाम है बीजक, साकी, शबद और रमेनी। जायसी के नाम लिख लो पद्मावत। उसके बाद में देखो, इसके अथवा में पूछा गया था,
छायावाद के दो कवियों के नाम, उनकी रचनाओं से लिखना था। तो छायावाद के कवि होंगे जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना कामायनी, झरना और आंसू। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है अनामिका परिमल, यहाँ से लिख लें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और उसके अथवा वाला क्वेश्चन था, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण सहित लिखिए। तो चलो दोनों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसे है, तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। ठीक है, दोनों को आप लोग याद कर लो यहाँ से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो अंतर। तो देखते हैं कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो अंतर क्या। तो देखो थोड़ा सा ये छूट गया था वो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ से देख लें। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर यहाँ से देख कर लिख लो, आप सब लोग ये लिखा है, और दो महाकाव्यों के नाम यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखे हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा प्रसाद गुण का उदाहरण क्या है, ये लिखा है, आप सब लोग देख लें। और उसके अथवा में पूछा गया था व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण, तो देखो इसको यहाँ से आप सब लोग याद कर लो, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो देखिएगा ए टू डेट सभी के सभी क्वेश्चन अपन ने यहाँ तक देख लिए। प्रश्न नंबर 10 को पढ़ लें, हिंदी गद्य साहित्य को का बाबा के भारतेंदु युग को निबंधकारों के नाम, उनकी रैखिक रचना सहित आपको लिखना है प्रश्न नंबर 10 में। तो देखो इसका उत्तर कहाँ से आएगा आपका, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। देखो क्या था क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंदी गद्य साहित्य को बाबा के भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम, तो देखो ये भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम लिखने थे, थोड़ा सा आप लोग ऐसा समझ लेना, ये मिस टाइपिंग हुआ होगा थोड़ा सा। देखो भारतेंदु युग के निबंधकार ये है श्रीधर पाठक, राधाकृष्ण गोस्वामी और जगमोहन सिंह, ठीक है ना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसके अथवा वाला, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। तो देखो यहाँ से आप सब लोग रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर को देख लें और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 11वां, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है कि भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, ये इसका आंसर है। और इसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, नानबाई किसे कहते हैं। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 को, निपात किसे कहते हैं, दो वाक्य में निपात का प्रयोग करिए। तो देखिएगा निपात किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें और याद कर लें। और उसके अथवा में आपसे क्या पूछा गया था, चलो उसको भी देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा आपको, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी परीक्षाओं के पेपर सभी के सभी बहुत अच्छे जाएंगे। तो देखो ये निर्देशानुसार वाक्यों को परिवर्तित करना आपको, देखो इनका परिवर्तन ये दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से नोट कर लोगे इनको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिएगा ये जो वाक्य है ना, इनको शुद्ध करके लिखना आपको। तो देखो इनके शुद्ध रूप ये लिखे हैं, लक्ष्मीबाई तेजस्विनी नारी थी, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, और इनके मुहावरों के प्रयोग करने थे, इनको भी देख लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषताएँ। देखिएगा लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषताएँ क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लें अच्छी प्रकार से। ये लिखिए लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएँ, और उसके अथवा में पूछा गया था शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत मंत्र, तो ये भी आप लोग नोट कर लें यहाँ से पूरा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जनसंचार के माध्यम के दो उद्देश्य, तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख लें। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें। तो देखिएगा ये प्रश्न नंबर 15 लिखा है जनसंचार माध्यम के दो उद्देश्य, तो चलो जल्दी से हम जनसंचार माध्यम के दो उद्देश्यों को देखते हैं। तो देखो इनके उद्देश्य ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अथवा क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के नाम लिखिए, तो देखो इनको यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय आपको देना है। तो देखो कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा है, ये इनके रचनाएँ लिखी है, ये भावपक्ष लिखा है और ये कला पक्ष लिखा गया है, और उसके बाद में ये हिंदी साहित्य में स्थान लिखा है। और उसके बाद में देखो मीराबाई का जीवन परिचय लिखा है, दो रचनाएँ, भावपक्ष और कला पक्ष ये लिखा गया है। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लो यहाँ तक का। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, प्रेमचंद अथवा बालमुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय आपको देना है प्रश्न नंबर 17 में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप लोग पढ़ लें इनको। तो देखो इसका उत्तर ये होगा, आप सब लोग पढ़ लें इसको पूरा का पूरा, इसका राइट आंसर होगा ये, दो रचनाएँ ये लिखी है और भाषा ये दी गई है, और इसके अलावा शैली ये लिखी गई है, हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है, आप सब लोग पढ़ लें इसको। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो भाव विस्तार करना आपको प्रश्न नंबर ये यहाँ पे कहाँ पर, प्रश्न नंबर 18 में।
तो देखो भाव विस्तार आपको किसका करना है, तालीम की, तालीम बड़ी चीज़ होती है, और न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। तो देखो इसका उत्तर देख लो आप सब लोग, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा इसका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा, ये लिखा आपका उत्तर, आप सब लोग देख ले इसको, ये पहले वाले का उत्तर है और ये न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने इसका उत्तर है, यहाँ से आप सब लोग समझ ले इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन, यहाँ पर लिखा ये वाला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखो ये अपठित गद्यांश है, आप सब लोग इसको पढ़ लेना और फिर इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। तो देखो पहले का उत्तर ये आ जाएगा, और उसके अलावा दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित की संदर्भ प्रशंसित व्याख्या आपको करनी है। तो देखिएगा जैसे बादी कष्ट कड़े, तो देखो ये वाली संदर्भ प्रसंग सहित आप लोग कंप्लीट कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में आने वाली है। तो देखो इसको यहाँ से आप सब लोग देख लो, ये इसका संदर्भ लिखा है और ये इसका प्रसंग लिखा गया है। प्रसंग के बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये संदर्भ प्रसंग और ये भावार्थ है, ठीक है ना। भावार्थ लिखना होता है, आपकी जो पंक्तियाँ होती हैं इनका व्याख्या जो होती है ना गद्यांश की लिखी जाती है, ठीक है, यहाँ से देख लो आप सब लोग। उसके बाद में देखो ये मैंने आपको बता दिया, अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला देख लो, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में छपेगी। तो देखो इसका आंसर हम जल्दी से देखते हैं। तो देखो ये लिखा है, संदर्भ इस प्रकार से लिख देना आपको, प्रसंग ऐसे लिखना है और व्याख्या इस प्रकार से आपको कर देनी है पूरी की पूरी। देख लो यहाँ से ये मैंने बता दिया। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 21 जो होगा ना आपको, इसमें आपका गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है, धर्म की इस बुद्धिहीनता और खड़ा था, इसको देख ले यहाँ तक का पूरा। अब चलो इसका संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करते हैं। तो देखो संदर्भ इस प्रकार से लिख देना है, प्रसंग ये लिखा है और व्याख्या ये की गई है, यहाँ से देख ले आप सब लोग पूरा, और विशेष ये लिखा है। अब इसके अलावा एक और अथवा वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, जिस प्रकार आपका बहुत ऊँचे, तो देखो ये वाला पढ़ लेना आप सब लोग। अब चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसका संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा गया है और व्याख्या ये लिखी है और विशेष ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग देख ले इसको आप। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं, आपके विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु का आवेदन पत्र आपको लिखना है, प्रश्न नंबर 22 में पूछा जाएगा आपसे। देखो इसका आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा है पूरा का पूरा आवेदन पत्र, आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। तो देखिएगा ए टू डेट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको बता दिया, तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।